ऊंचा है भाई, आम आदमी बेचारा गाने कुछ नहीं, उसको छत पे जाके गाना पड़ेगा दूर। तो नितिन काकड़, जैकी भगनानी विद मधुबाला एंड कृतिका बोथ। ही इज वेयरिंग मधुबाला लाइक ऑन, इट्स ऑन हिज टी-शर्ट। And also we have Prateek and Shivam. Bahut acche. So, abhi main kya karne wala hu? Abhi the floor is open for the Q&A session, the question answer session with the media. If anything that you want to ask, please feel free. Dil khol ke poocho. Mitro! Poocho. Anything. Hello, hi, hi. My name is Jaccky. Hi. Hello, hello. Nitin sir, huh? Towards your left, over here. Over here, over here. There's too much glare, so. Nitin, what took you so long to come back, you know, again, after your movie? This is not my second film, this is my third film. There is Ram Singh Charlie, which is in the queue. And I guess after Mitro, we'll be coming with Ram Singh. So, haan, aur achhi cheez banane mein thoda waqt bhi lag jata hai, yaar. So, time lagta hai thoda sa. Thank you, thank you. Yeah, we all know the title. We thought, so honestly, the film is based in Gujarat. So, kapde bhi unhone waise pehne, dialogues bhi waise bol rahe hain. Unka hum log ka setup bhi waisa hi hai. So, and the film is about friendship. So, we thought, I actually googled it, what is a friend called in Gujarati? And it said Mitra or Mitro. And then I realized, oh, that is how Modi ji uses it. And we thought it is a great title to have. It's a quirky title to have. And we also knew that once the trailer is out, people will know there's nothing political about it. It's a fun film. It's family, friends, and fun. So yeah, that's how Mitro came in. You like it or no? Ahmedabad ko kis tarike se darshaya hai, Nitin sir, agar aap bataye, Alok here. Alok. See, मेरी जो मेरा जो एक प्रोसेस होता है, मैं जनरली आई प्रेफर गोइंग टू द प्लेस, सोकिंग इन द प्लेस एंड देन पुटिंग इट ऑन कैमरा, रादर देन एक परसेप्शन से नहीं करता मैं काम कि गुजराती ऐसे होते हैं या गुजराती, एक परसेप्शन से नहीं करता, मैं जाता हूँ सुनता हूँ, आई जनरली स्टे देयर, आई स्पेंड सम टाइम एंड देन आई राइट द स्क्रिप्ट. So I think you will see a very authentic Gujarat. हमने पोल एरिया एक कल्चर होता है गुजरात का, जो गुजराती हैं वो जानते होंगे. तो मुझे बहुत एक्साइट किया वो पोल कल्चर. तो वहाँ पे इतना बेशुमार प्यार, मुझे नहीं मालूम था गुजरातियों में इतना प्यार है. मतलब उन्होंने अपने घर खोल दिए हमारे लिए. वो रोज़ हम पैकअप करके घर जा रहे होते थे तो पकौड़े चाय आप खा के ही जाएंगे टाइप्स था. तो घर जैसी फीलिंग हो गई थी अहमदाबाद से, प्यार हो गया है मुझे अहमदाबाद से. सो आई होप आई एम एबल टू डू जस्टिस टू इट. एंड कुमार सर, किस तरीके से गीत का आगाज हुआ, लेखन का शुरू, अगर आप थोड़ा गीत के बारे में बताएं. ये बिल्कुल सर, रब ने सोना की पंजाबी पंजाबी बहुत हो रहे गाने जी जी, तो एक नया फोक, एक नई भाषा ऊपर आनी चाहिए. तो गुजराती फोक है ये, एक डीजे चेतस लीजो ने कंपोज किया उसको और दर्शन ने गाया. और इसको हमने कहते फोनेटिकली ट्रीटमेंट दिया, तो कमरिया वर्ड जैसे उसमें है, तो जैसे जैसे फोनेटिक उसके थे हमने वैसे रख के गाना बनाया. बाकी जैकी सर का फील था कि ये गाना स्क्रिप्ट के में तो हो बट यूनिवर्स अपील होनी चाहिए गाने पे, जहाँ की जब गाड़ी में भी गाना बजे तो लगे कि यार हम इस पे नाचें. पिक्चर तो बाद में आएगी लेकिन पहले गाना खुलता है तो गाने से कनेक्ट हो जाए पहले जनता. थैंक यू सर. मित्रों का जिक्र होता है तो जैकी आपको कौन याद आता है मित्रों? मुझे ऑफकोर्स मेरे मित्र याद आते हैं और हमारे जो सबसे इम्पोर्टेंट मित्र हैं विक्रम मल्होत्रा जी, प्लीज स्टेज पे आ जाइए. That's Vikram ji. I know he's going to kill me for this. Sonu sir, Vikram sir, आप आ जाइए ना, बड़ा और लग रहा है. Sonu sir, जानना चाहेंगे, अभी एंकर साहब भी कह रहे थे कि फिटनेस मंत्रा क्या है आपका, आप वैसे ही दिखते हैं जो आज से 10 साल 15 साल पहले दिखते थे. आई थिंक अभी बेटर दिखते हो. उससे बेटर दिखते हैं सर. एक्चुअली कोई मंत्र नहीं है, जस्ट ये है कि लोग
उस दिन सुभाष घई जी मेरे घर पे आए थे, उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया ना, आई ऑलवेज टेल बहुत प्राउडली मैं बात बोलता हूँ, उन्होंने कहा 40 साल से इंडस्ट्री में हूँ, इतनी सेटिस्फाइड आंखें मैंने किसी की देखी नहीं है। तो ये बात है कि मैं इतना खुश रहता हूँ ज़िंदगी में और इतना सेटिस्फाइड हूँ मेरे ख्याल से। और ऑब्वियसली फिटनेस तो हर कोई, ये लोग भी सब ध्यान देते ही हैं, मैं भी देता हूँ, बट आई थिंक मोर देन दैट इट्स जस्ट टू बी हैप्पी विद वेयर यू आर व्हाट यू आर, वो मेरा एक बड़ा इजीली हो जाता है। मुझे कोई तंग नहीं कर पाता बहुत देर तक, थोड़ा सा एक दिन की परेशानी होती है, अदरवाइज आई एम एब्सोल्युटली फाइन। ओके, आई एम जस्ट एक मिनट, मैं बीच में घुस के कुछ कहना चाहता हूँ, बिकॉज इतने सारे लोग यहाँ पर, इतने टैलेंटेड लोग यहाँ पर हैं, हमारे इतने मित्रों के बीच एक और मित्र को मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा जो जय के पिता का रोल करते हैं। ओह माय गॉड, मिस्टर नीरज सूद, कैन वी हैव यू ऑन स्टेज? सो नीरज जी, जो जैकी के पिता ऑन स्क्रीन प्ले कर रहे हैं, इन्होंने मेरी इतनी तारीफ की है, टीजर तो आप देख ही चुके हैं। जी प्लीज कंटिन्यू। ये सवाल मैं शारिद तोशी से भी जानना चाहूंगा कि किस तरीके से इस गीत का आगाज हुआ, और आपने थोड़ी देर पहले बताया कि सोनू सर को लिया आपने इसमें। ऑनेस्टली स्पीकिंग, वी वर जैमिंग वन डे, मी एंड शारिब एंड जैकी, और ऐसे कुछ गाने सुन रहे थे हम लोग, एंड सडनली कुछ गानों के बीच में ये गाना प्ले हुआ, एंड जैकी लाइक द लॉट दिस सॉन्ग, एंड ही सेड कि एक बार फिर से प्ले करते हैं ये गाना। देन ये गाना ऑलरेडी हमारे बैंक में था, वॉज प्लेइंग दिस सॉन्ग, एंड ही लाइक द लॉट ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द सॉन्ग, द साउंड, द प्रोडक्शन, द कॉम्पोजिशन ऑफ द सॉन्ग। फिर धीरे धीरे करते 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 फिर हमें मित्रों के बारे में पता लगा आपसे कि ये फिल्म में हम ये गाना यूज़ करना चाहते हैं। देन फिर लिरिकल कुछ चेंजेस हुए गाने, बिकॉज पहले गाना कुछ और था, कुछ और लिरिक्स थे गाने में। देन आई वॉन्ट टू से थैंक यू सोनू जी टू गिव योर वॉइस टू आवर सॉन्ग फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड एक छोटा सा इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है, सोनू जी व्हेन ही केम टू द स्टूडियो ही वॉज ट्रेवलिंग कंटिन्यूसली एंड ही वॉज नॉट ऑल राइट हेल्थ वाइज, सो ही कॉल्ड हिज मैनेजर एंड सेड ही वॉज फ्लाइंग दुबई नेक्स्ट डे, ही कैन द फ्लाइट एंड ही सेंग द सॉन्ग। So it's a really honor for us always to have you in our music, in our composition. Actually, I would like to add to that, sir, ki hum studio mein the aur Sonu sir aaye aur Sonu sir ne itna acha gana gaya that we all were flattered, and then we said, yaar ye kya hai, ye matlab ye kaise hota hai, and he came back and he said, I am not feeling it, I want to go back and come back and sing it again. So bola, sir isse upar kaise ho sakta hai life mein. So, ये जो बोल रहे हैं ना, he's satisfied, he's not satisfied, and that's why he's still around like a legend, because इतना achieve करने के बाद, to still feel that I have to give more, because this is like my first song, that's why legends are made. So, yeah. And the writer of the song, Kaleem Sheikh, this is his welcome song, first song in Bollywood. So, सबकी दुआएं, चाहेंगे कलीम भाई कुछ बोलना, दो लाइनें बोलना तो लाजिम है। कलीम दुबई वाला Say something. नहीं, ये गाने के बारे में तोशी शारिफ से जब डिस्कस हुआ, एंड आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू मीट जैकी सर, और जिस तरह से उन्होंने नरेट किया, और ये गाना फिल्म का इंटीग्रल पार्ट था, तो लफ्ज आने बिल्कुल मुश्किल नहीं थे, अपने आप आते गए, एंड आई एम रियली ऑनर्ड दैट सोनू सर के साथ, जो मेरे लिए लेजेंड है, सबके लिए लेजेंड है। मैं आपको बता दूं, कलीम बॉलीवुड से नहीं है, ये दुबई में तेल निकालते हैं, ही इज इनटू ऑयल एंड गैस, सीरियसली ही इज इनटू ऑयल एंड गैस, एंड सो ये पहला गाना है इनका, और मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं ऐसी, और आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहते हैं कि इस गाने को सुपर हिट बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन सर का, माई ब्रदर जैकी, एंड ऑब्वियसली द लेजेंड मिस्टर सोनू निगम, तीनों के एक सामूहिक साथ से ये पॉसिबल हो पाया। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे, फैंटास्टिक। अच्छा, एक चीज अब मैं और बात करना चाहूंगा दर्शन और चेता साहब से, दिस इज रिगार्डिंग द सॉन्ग वी जस्ट हर्ड, कमरिया। मतलब आगे आओगे थोड़ा लाइट में, एक बार सब देखें आपको, टेल मी मोर अबाउट द सॉन्ग, मतलब क्या था इस गाने के पीछे थॉट, कैसे बनाया, कैसे ये, और एक कमरिया को कमरिया मतलब क्या पे गया उसके पीछे? सो आई ऑलवेज गेट अ कॉल फ्रॉम चेतस मिडनाइट, मुझे हमेशा चेतस कॉल करता है, मिडनाइट में ही करता है, हां राइट, बिकॉज़ क्यों नहीं करता, नहीं, ही डजंट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग जस्ट लाइक मी। सो रात को मुझे कॉल आता है कि भाई किधर हो, मैंने कहा भाई घर पे, बोले आ जाओ जल्दी से स्टूडियो पर आ जाओ। सो स्टूडियो पर मैं जब पहुंचा, इट वाज अमेजिंग, बिकॉज़ नाउअडेज आई डोंट सी दिस हैपनिंग, एंड इट वाज अमेजिंग फॉर मी बिकॉज़ कुमार पाजी वर देयर,
Chetus was there, Lijo were, my baithe the, and they all were making a song. And they made me a part of this song, and I was there, jab puri process ho rahi thi. So we were very sure, hum sure the ki Pethalpur mein we are using, it's a Gujarati garba folk song, which is sung every Navratri. So hum bahut sure the because humko, we wanted to do this Gujarat, humko ek aisa gana banana tha, jo garba to ho hi, but clubs mein baje. So he wanted to make a song. He was basically Jaccky came to me, he's like, I need a club number, but a garba number. तो क्लब नंबर हो गया, गरबा नंबर हो गया, वो मैं समझ